जिंदाबाद जिंदाबाद दीवान पाक सभा जिंदाबाद 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 यात्री जथेबंदियां जिंदाबाद 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 नई सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा नाम करमजीत माणुके, मैं सूबा कमेटी मैंबर हाँ नौजवान भारत सभा तो। अज असी पंजाब के समुचे जिन्हें भी पुलिस कॉन्सटेबल च हुई धक्केशाही के खिलाफ नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, उन्हां दी संयुक्त पीपी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की सूबा कमेटी की एक मीटिंग हुई, असी भी उस नौजवान भारत सभा वालों शामिल होए हैं। तो अज सर्वसम्मति नाल फैसला किया गया कि जलंधर असी धरना लाया तो भर्ती बोर्ड के जिहड़े चेयरपर्सन आ ए डी जी पी मैम आ जलंधर तो, उन्होंने विश्वास दवाया कि सरकार नाल मीटिंग करावांगे तो बाकी जिन्हें भी इतराज़ आदा रिटर्न जिहड़ा जवाब देवांगे। अज दो दिन बीत जाण तो बाद भी कोई कार्रवाई ना हुंदी देखदे होए अज फैसला किया मोर्चे ने कि 10 तरीक नूं मोरिंडे विखे मुख्यमंत्री चन्नी दे घर दे बाहर धरना लाया जाऊगा। तो जिन्ना समा मंगा नहीं मन्निया जांदियां नौजवानां दियां उन्ना समा धरना चलता रहेगा। असी नौजवान भारत सभा वालों मोर्चे की इस संघर्ष की हमायत करते हैं, क्योंकि चन्नी ने कहा सीगा, कैप्टन ने कहा पहला घर घर सरकारी नौकरी, उस तो बाद चन्नी का प्रचार किया जा रहा कि घर घर चली गल चन्नी करदा मसले हल। असी नारा ला रहे हैं कि घर घर चली चली गल कोई नहीं होना मसला हल, सिर्फ गल्लां हवाई आ, कल्ले ऐलान किए जा रहे, एक भी मसले का चन्नी जिहड़ा हल नहीं कर रहा है। एक गां गटर च डिग पैंदी आ ते मुख्यमंत्री राह च रुक के लाइव हुंदा गां नूं कढ़न वास्ते। इत्थे भगत सिंह की उम्र के जिहड़े नौजवान आ जायज़ मंग नूं लैके रुजगार की मंग नूं लैके संघर्ष कर रहे आ, तो रुजगार की मंग नूं लैके सारियां सियासी पार्टियां जिहड़ियां सियासत कर रही, पर असल च इन्हां दा मुद्दा जिहड़ा किसी नूं मुद्दा नहीं लग रहा है। वह सरकार जिहड़ी रुजगार के नाते बेवकूफ बना रही आ, उस सरकार नूं घेरन वास्ते संघर्ष चल रहा। असी नौजवान भारत सभा वालों रुजगार की मंग नूं लैके लगातार लड़ रहे हैं, तो इस मोर्चे के संघर्ष नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े हैं। 10 तरीक नूं पंजाब के समुचे नौजवानों नूं कल्ले कॉन्सटेबल की भर्ती देखने वाले नहीं, पटवारी की भर्ती रद्द हुई, सब इंस्पैक्टर की इंटैलीजेंस की भर्ती रद्द हुई है, जिदे करके नौजवान बेरोजगार रह गए, वह भर्ती भी खुलनी चाहिए आ। बाकी जिथे जिहड़े नौजवानों की क्वालिफिकेशन के आधार पर जिन्ना रुजगार दिता जा सकता वह रुजगार मिलना चाहिए, इस मंग नूं लैके लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 10 तरीक नूं असीं उन्हां सारे नौजवानों नूं सद्दा दिंदे आ, कल्ला कॉन्सटेबल नहीं सारे जिहड़े आ 10 तरीक नूं मोरिंडे सीएम दे घर दे बाहर पहुँचण। रुजगार का मतलब मसला सारे का मसला, आपां रुजगार के मसले ते सरकार नूं घेर सकीए, इन्हां नूं मजबूर कर सकीए, 2022 दीआं चोणां च इन्हां नूं तकड़ा सेक लग सके। इस करके 10 तरीक नूं 11 बजे मोरिंडे सीएम की कोठी के बाहर वध तों वध गिणती दे विच पहुंचो, आस करदे आ कि वड्डी गिणती चाहुंगे। नौजवान भारत सभा वल्लों भी असीं उस संघर्ष शामिल होण जा रहे हां। एक प्राइवेट कंपनी राही 4.5 लाख नौजवानों के फार्म भरवा के उन्होंने लगातार साल भर मेहनत करवा के पेपर ले गए हैं, टेस्ट ले गए हैं, जेडे टाटा कंसलटेंसी कंपनी ने ले है। उदों बाद जेड़ा रिजल्ट आया 4.5 लाख चों सिर्फ 22-23 हज़ार नौजवानों को उन्होंने सिलेक्ट किया। उस सिलेक्शन वाली लिस्ट के सारे ही जेड़े कैंडीडेट से उम्मीदवार से उन्होंने मैरिट नहीं शो की गई, उन्होंने परसेंटेज नहीं शो की गई, तो +2 बेस मन के सारे फॉर्म भरवाए गए थे, पर जेड़े सिलेक्ट किए हायर एजुकेशन वाले एम टैक बी टैक एम बी ए। इहदे नाल पंजाब दे नौजवानों के अंदर एक बहुत वड्डी रिजेंटमेंट गुस्सा कि जे तुसी हायर एजुकेशन वाले ही सिलेक्ट करने सी तो फिर +2 बेस क्यों रखिया। तुसी पुलिस भर्ती वेले पिछले सालां च पहला शरीरक योग्यता नापदे हो, ट्रायल लेंदे हो, उदों बाद जिहड़े सिलेक्ट हो जाते हैं उन्हां दा तुसी जीके वगैरह जा जिहड़ा दिमागी टैसट आ लेंदे हो। इस बार इन्होंने पहला रिटन टैसट लिया, उदों बाद ट्रायल लै रहे हैं, पुट्ठा गेड़ दिता, जिहदे नाल 4.5 लाख नौजवानों के अंदर घोर निराशता जिहड़ी पाई जा रही है। ये नौजवान पिछले एक हफ्ते तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पहला वख वख शहरां च इन्होंने धरने दिते, ट्रैफिक जाम किए 2-3 दिन, फिर इन्होंने एक मीटिंग रखी सी मोगे जिथे कि इन्हां दे लीडर पहला ही पुलिस ने चक ले, वो शाम नूं जाके छड्डे जदों ट्रैफिक जाम किया मोगे च। हुण इन्हां जलंधर PAP जिहड़ा इन्हां दा हैडक्वाटर है पुलिस का उत्थे धरना दिता, उत्थे भी इन्हां दे नाल धक्का मुक्की की गई,
कल कई उम्मीदवारों के सिर भी पाड़े गए, उन्होंने बाहां लत्तां भी भन्नियां गईयां, वो कुड़ियां मुंडे हस्पताल च जे रहे इलाज ने। यानी कि जिहड़ा चन्नी है कहिंदा है कि घर घर चली इको गल, चन्नी घर का मसले हल। हुण यह चल रही है कि घर घर चलती इको गल, चन्नी नहीं करता मसले हल। वो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है, सिर्फ ऐलान कर रहा है, इश्तहारबाजी कर रहा है। साढ़े खजाने के करोड़ों रुपये अखबारों से इश्तहार देने, सड़कों पर वड्डियां फ्लैक्सा लाने खर्च कर रहा है, वो नौजवानों की सार नहीं रह रहा। नौजवान चाहे बेरोजगार अध्यापक है, चाहे टैट पास अध्यापक है, चाहे साड़िया नर्स हैं, चाहे वो ठेके से रखे हुए वक् वक् महकमे के कामे हैं, ठेका आधारित जोड़े कामे हैं, उन्होंने कल बठिंडे मनप्रीत बादल का घराव करते, उन्होंने धक्का मुक्की हुई है, उन्होंने लाठीचार्ज होया, उन्होंने गिरफ्तारियां हुई हैं। इस किस्म के नाल अध्यापक भी, ठेके के मुलाजम भी, हुणे नौजवान जिन्होंने बकायदा संयुक्त पीपी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा बना के संघर्ष शुरू किया, अज इन्हां दी जगराओं दे विच वक् वक् जिलों के नुमाइंदियां दी मीटिंग हुई है, जिहदे च इन्होंने सारे मसले विचार के ये फैसला किया है कि 10 तरीक नूं मरिंडे मुख्यमंत्री चन्नी दे घर दे बाहर धरना दे के उहदा घराओ किया जाऊगा, तां कि इन्हां नूं रुजगार है जिहड़ा मुहैया कराया जा सके। इन्होंने पहलां कई जिहड़ियां पोस्टां हैं जिन्हां दे पेपर लैने सी पुलिस डिपार्टमेंट दे विच, जिवें सब इंस्पैक्टर है, पटवारी है, इंटैलीजेंस है, वो रद्द कर दिते। वो पोस्टां जे कढ दिंदे तां इत्थे जिहड़ी मैरिट है वो इन्नी उच्ची नहीं सी जाणी। इहदे नाल ये नौजवान जिहड़े बेरोजगार नौजवान ने, और खास तौर पर गरीब घरां चों ने, जिन्हां ने साल साल कोचिंगां लईयां, जिन्हां ने 70-80 हज़ार रुपया खर्चा, वो चन्नी सरकार तों उम्मीद करदे आ कि उन्हां नूं रुजगार मुहैया किया जाए, जिहड़ा उन्हां दे नाल धक्का होया उन्हां नाल मीटिंग करके उस धक्के का निवारण किया जाए। हुण असीं पंजाब दीआं वक् वक् जिहड़ियां जनतक जथेबंदियां, चाहे नौजवान भारत सभा है, चाहे इनकलाबी केंद्र पंजाब है, चाहे किरती किसान यूनियन है, चाहे भारतीय किसान यूनियन एकता दिखाउंदा है, असीं सारे इन्हां नूं विश्वास दे के चले आ कि जिहड़ा तुसीं संघर्ष करोगे उहदे च पंजाब दीआं जनतक जथेबंदियां, जिन्हां ने एक मसाली लड़ाई लड़ के काले कानून रद्द कराया, वो थोड़े संयुक्त मोर्चे का पूरा सहयोग करनगियां, पूरा समर्थन। ठीक, सत श्री अकाल जी। जिमें कि आप सब नूं पता आ कि अपनी पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल की नवी लिस्ट जारी आ गई सी, तो जिमें जी पहली पुरानी लिस्ट सी उहदे विच कुछ क नाम फेक सी, तो साडी गुरप्रीत दिओ मैडम नाल मीटिंग भी हुई सी, तो उन्हें सानूं स्पष्ट रूप विच कहा सी वी ओह नाम हैगे आ, तो जे वह नाम हैगे जिहड़ी नवी लिस्ट जारी की आ तो उस दे विच क्यों नहीं है, सानूं इस ते भी कुछ घपला लग रहा है, क्योंकि गुरप्रीत मैडम ने सानूं कहा सीगा वी इह नाम रियल च हैगे आ, तो वह जे है तो नवी लिस्ट में जी जारी हुई है तो उस दे विच क्यों नहीं आ, तो साड़ी यही मांग आ, तो सारा कुछ साढ़े स्पष्ट किया जाए। तो असी 10 दिसंबर 2021 आप सारे जने 11 बजे CM साहब जी की कोठी मोहरे धरना लावांगे। सो अभी सारे नौजवान चाहे वह अपने भैन भरा ही आ, तो असी सब नूं यही कह रहे हैं, चाहे जिहड़ा मर्जी बेरोजगार होवे, असी सब नूं यही कहना चाहते हैं कि 10 दिसंबर 11 बजे मोरिंडा विखे साडा साथ देन, साडे मोढे नाल मोढा जोड़ के साडा सारिआं दा साथ देन, तां कि साडी जित होवे, ते साडा सरकार कोल यही आ कि साडीआं मंगां पूरीआं कीतीआं जावे जल्द तों जल्द।